So guys, welcome to another video of Insane Football Talks, your home of football reviews, tactics, transfer talks and many more. But topic par jaane se pehle aapse ek baat karna chahta hu, agar hum January end tak 500 subscribers hit karte hain, so I have a surprise for you. Kuch video nahi aane wali, but surprise hai aapke liye. So do consider subscribing to this channel, kyunki bahut maza aane wala hai, bahut se content baki hai. So aaj hogi ISL talk, ISL ke bare mein baatein karenge. क्योंकि बहुत टाइम हुआ आईएसएल के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि पहली बात आईएसएल के मैचेस बहुत कम टाइम में होते हैं, मतलब हर एक दिन एक मैच होता है, सो टाइम नहीं मिलता बनाने का पूरा रिव्यू. तो एक मैच हो गया तो टेबल में उथल पुथल हो जाती है भाई. सो बहुत मेहनत का काम है जो भी बना रहा है रेगुलरली आईएसएल के वीडियोज, हैट्स ऑफ टू देम. तो बट आज हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं. तो अगर हम आईएसएल की बात करें तो आईएसएल इस साल प्रीमियर लीग से कुछ कम नहीं है, बहुत तगड़े तगड़े मैचेस चल रहे हैं आईएसएल में इस साल. क्योंकि फर्स्ट प्लेस मुंबई सिटी एफसी और ओडिशा के बीच में सिर्फ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है. सेवेंथ प्लेस और फर्स्ट प्लेस में सिर्फ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस. इसके बाद सेकंड पर आती है हैदराबाद 16 पॉइंट के साथ, जमशेदपुर 16 पॉइंट के साथ, एटी के मोहन बगान 15 पॉइंट के साथ 9 मैच में, केरला ब्लास्टर्स 14 पॉइंट के साथ 9 मैच में. सो बहुत तगड़े मैचअप्स है. और आज तो भाई केरला ब्लास्टर हैदराबाद का मैच भी है, सो अगर इन दोनों में से कोई एक भी जीत जाता है तो सीधा चले आता है टॉप ऑफ द टेबल. और अगर मैच की बात कर ही रहे हैं तो चलिए मैच की बात करते हैं, क्या ही बोल रहा हूँ मैं. तो अगर अभी ये केरला ब्लास्टर हैदराबाद एफसी की मैच के बारे में बात निकल ही गई है, तो चलिए मैच के बारे में बात करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगी प्रिडिक्टेड लाइनअप और स्कोर प्रिडिक्शंस करते हैं. तो अगर हम मैच के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड पर जाएंगे. तो इन दोनों ने 4 मैच खेले हैं साथ में और इवन इवेंट रहा है, मतलब केरला ब्लास्टर्स जो जीती है और हैदराबाद 2 जीती है. तो इसमें कुछ दोहराई की बात नहीं है कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नहीं है फिलहाल. तो अगर देखा जाए तो फिलहाल हैदराबाद का पलड़ा भारी है, तो आई थिंक दे कैन विन. बट इवन इवेंट चल रहा है, मतलब अगर इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे तो. और टॉप स्कोरर की बात करें सो केरला ब्लास्टर्स की तरफ से कुछ आपको डाउट है क्या? साहल अब्दुल समद 4 गोल्स के साथ हैदराबाद एफसी के लिए, उगबेचे 9 गोल्स के साथ. तो आपको पता ही चल जाता है क्या ही क्लिनिकल हो रखा है बंदा, क्या ही गोल मारा जा रहा है बंदा. 9 गोल्स तो मतलब यहाँ पर आ ही गए हैं. तो रिसेंट फॉर्म की भी बात कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता है केरला ब्लास्टर्स एफसी और हैदराबाद एफसी मतलब फिलहाल तो अनबीटन है. फिलहाल मतलब पिछले 5 मैचों से, मतलब केरला ब्लास्टर्स ने 2 विन लिए हैं और 3 ड्रॉ किए हैं. वैसे ही हैदराबाद ने भी 2 विन लिए हैं और 3 ड्रॉ, 2 विन के साथ मतलब अनबीटन रहना ठीक है 5 मैच में बहुत अच्छी बात होती है. विद हैदराबाद एफसी के साथ भी वही बात है. सो इवन इवेंट चल रहा है, यहाँ पर भी 50-50 है मामला. तो अगर हम बात करें इस मैच में कौन कौन प्लेयर्स हो सकते हैं जो अनअवेलेबल होंगे, तो अल्बिनो गोमेज केरला ब्लास्टर्स की तरफ से तो होगा अनअवेलेबल. फिर हैदराबाद की तरफ से नर्जरी और यसीर होंगे. सो बट ये तो अनअवेलेबिलिटी की बात होगी, जो अवेलेबल प्लेयर्स है प्रेडिक्टेड लाइनअप है उसके बारे में बात करते हैं. तो केरला ब्लास्टर्स है 4-4-2 के फॉर्मेशन के साथ जाएगी. तो गिल विल स्टार्ट ऑन गोल, खाबरा बिजॉय लेस्कोविच और जैसे मेरे लिए बैक फोर की तरह स्टार्ट करेंगे. सहल पुतिया और जेक्सन माय 3 मिडफील्डर्स विद लूना डियाज और वास्क्वेज विद माय 3 अटैकर्स. और अगर हम हैदराबाद की तरफ जाए तो कट्टी मनी विल स्टार्ट फॉर मी विद आशीष साना जवानन एंड आकाश इन द डिफेंसिव लाइनअप. निखिल जुआओ हितेश अनिकेत फॉर मी इन द मिडफील्ड, एक लेफ्ट मिड राइट मिड की जैसे. और एडू एज नंबर 10 और उपगेचे नो डाउट अबाउट इट, रेड 9 गोल्स है बंदे के, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बंदे से. तो बहुत तगड़ा मैच होने वाला है. सो अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो मेरे लिए आई थिंक आई एम गिविंग अ एज टू हैदराबाद एफसी. ऐसे नहीं कह रहा, ये 55-45 चल रहा है, मतलब बहुत ही कठिन है चूज करना. बट आई विल गो फॉर हैदराबाद एफसी, नेटिव है तो जाते हैं हैदराबाद की तरफ, ऐसा एक पुल तो रहता है भाई. बट हैदराबाद अच्छी भी खेल रही है, सो आई विल गो फॉर हैदराबाद 2-1 फॉर हैदराबाद. और इसके बाद हैदराबाद चली जाएगी टॉप पर, मुंबई सिटी को अपने क्राउन से हटा देगी. मतलब फिलहाल ऐसा नहीं कह रहा कि मुंबई सिटी हारेगी, ये साल का आईएसएल बहुत कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए कह रहा हूँ फिलहाल क्राउन से हटा देगी और ये मैच जीतकर हैदराबाद एफसी टॉप पर. तो चलिए भाई ये थी मेरी प्रेडिक्शंस, आपकी प्रेडिक्शंस क्या है इस मैच के बारे में मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए. सो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट. देखते रहिए आईएसएल और इनसेन फुटबॉल टॉक्स. तो कोशिश करेंगे कि हम आईएसएल के बारे में जरा रेगुलर भी हो पाए, क्योंकि भाई इंडियन फुटबॉल देखने में मजा भी आ रहा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस बार से शायद से मैं 2 वीडियो तो निकाली दूंगा हफ्ते में आईएसएल के लिए. सो चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, पीस आउट. सावधान रहे, सतर्क रहे और मास्क पहनकर घूमे, कोरोना बढ़ रहा है, स्टे हेल्दी स्टे सेफ.
और भूलना नहीं 500 सब्सक्राइबर्स अंटिल द एंड ऑफ जनवरी, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू और बहुत से कंटेंट आना बाकी है. सो यस, गुड बाय, जय हिंद.